कुछ बच्चे ऐसे भी मुझसे मिले जिनको ऐसा लगा सर हम बीएड करेंगे बीएड करेंगे। हम बोले अब क्या हुआ रे बीएड वेड ना करेगा? तो बोला सर बीएड हो गया 4 साल का, अब तो छोड़िए देते हैं। हम बोले यार रुको थमो, हम चलते हैं राहुल सर के पास पूछते हैं आखिर बात क्या है। 4 साल का नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, डिग्री है, डिप्लोमा है ना, उसके बाद 3 साल का ऑनर्स कोर्स है, फिर 4 साल का रिसर्च का है, और तब 5वां साल एमएससी है। पहले जो 3+ और 1 साल जो है वो बीएड होगा। ये 4 ईयर बीएड कोर्स है, ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग बीएड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं बिखना पहाड़ी में, और बिखना पहाड़ी में एक जाने माने शिक्षक, यानी जो एक एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी इनके चलता है, बीएससी फिजिक्स, राहुल सर। राहुल सर एक जाने माने शिक्षक हैं जो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और फिजिक्स के एक अच्छे शिक्षक भी हैं, और इनके क्लास भी चलती है। अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लास इनका ले सकते हैं। सर स्वागत है आपको G20 न्यूज चैनल। नमस्कार सर। सर एक बहुत बड़ा दुविधा को लेकर मैं आया हूँ सर आपके पास। इतने सारे जो छात्र छात्रा हैं उनके मन में एक ही सवाल फैला हुआ है, एक ही सवाल। वो सवाल यह है कि जो ये बीएड जो है वो 4 साल का हो गया सर, इसका परिपूर्ण तरीके से इसी का शोध किसी के पास नहीं मिल रहा है। दरअसल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो हल्ला है 4 साल के बीएड का, ये दरअसल 4 साल का बीएड है नहीं। ये बीएड का अगर देखिए 3 लेवल पर हम लोग जो है बीएड करा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट पास है तो उसके लिए बीएड 4 साल का है, डायरेक्ट बीएड में एडमिशन नहीं होगा। 3 साल पहले ग्रेजुएशन चलेगा और 1 साल जो है वो बीएड होगा। ये 4 ईयर बीएड कोर्स है, ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग बीएड है। उसके बाद एक बीएड की डिग्री आपको 3 साल के ग्रेजुएशन पर भी मिलेगा, है ना। वो जो 3 साल के ग्रेजुएशन पर अगर आप अलग से बीएड करते हैं तो वो बीएड फिर 2 साल का होगा। हवा बना दिया गया है मार्केट में, इसमें ये कहा कि कहा जा रहा है कि भाई 4 साल बीएड हो गया। अब इतने सारे बच्चे जो है ना मोटिवेट थे बीएड करने के लिए, वो सारे डिमोटिवेट हो गए। ऐसे लगे जब जितने भी बच्चे मिले ना, कुछ बच्चे ऐसे भी मुझसे मिले जिनको ऐसा लगा सर हम बीएड करेंगे बीएड करेंगे। हम बोले अब क्या हुआ रे बीएड वेड ना करेगा? तो बोला सर बीएड हो गया 4 साल का, अब तो छोड़िए देते हैं। हम बोले यार रुको थमो, हम चलते हैं राहुल सर के पास पूछते हैं आखिर बात क्या है। देखिए दरअसल नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चे एमएससी कर चुके हैं उनके लिए तो बीएड और 1 साल का ही है। ये जो 4 साल का बीएड है ना, ये हुआ है कंसल्टेंसी फोरम के द्वारा, है ना, और कुछ नहीं, है ना। एमएससी के बाद बीएड 1 साल का है। इस बार हमारे जो अमित शाह जी हैं उनका ये है स्टेटमेंट भी है कि इस बार मंत्री जी का कि 2024 में, है ना, हर राज्य में एनईपी जो है पूर्णतः लागू करेंगे। तो उसके बाद तो बीएड जो है एमएससी के बाद 1 साल का हो जाएगा। तो बीएड की डिग्री 3 मायने में चलेगी, एक इंटरमीडिएट के बाद जो 4 साल की होगी वो ग्रेजुएशन 3 साल और 1 साल बीएड, है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड होगी बीएससी प्लस 3+2 का अगर चले तो 3 साल ग्रेजुएशन 2 साल बीएड, और एमएससी में चलिएगा तो एमएससी पास वालों के लिए बीएड फिर 1 साल का होगा। इसमें एक और डाउट हो गया, जैसे आप बता रहे हैं कि एमएससी जो है एमएससी के बाद या एमए के बाद या एमकॉम के बाद 1 साल का बीएड होगा, तो मुझे ये बताइए कि जो 1 साल वाला बीएड किया होगा तो वो 6 to 8 वाला में नहीं बैठेगा? हाँ, बीएड वाले जो लोग हैं वो 6 to 8 में, ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? प्राइमरी में नहीं बैठेगा। और कॉलेज वाला जो मामला है, कॉलेज में बीएड नहीं चाहिए, उसके लिए नेट अलग एग्जाम होता है, है ना। अभी फिलहाल जिसमें अभी 11th 12th में बीएड तो चलेगा ना, एमएससी अगर 11th 12th में एमएससी प्लस बीएड होगा, हाँ, तो वो दोनों में बैठ सकते हैं एमएससी वाले लोग। तो ग्रेजुएशन जो 3 साल का था तो अब 4 साल का कर दिया है ये एनईपी 20 जो निकला। हाँ देखिए, एनईपी में ग्रेजुएशन 4 साल का किया जरूर है, लेकिन वो पूर्णतः 4 साल का नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, डिग्री है, डिप्लोमा है ना, उसके बाद 3 साल का ऑनर्स कोर्स है, फिर 4 साल का रिसर्च का है, और तब 5वां साल एमएससी है। पहले जो 3+2 का चलता था, 3 साल ग्रेजुएशन 2 साल एमएससी, अब कर दिया है 4 साल ग्रेजुएशन और 1 साल एमएससी, तो बदलाव है ही नहीं। 3 को 4 कर दिया है, 2 को 1 कर दिया है ना, तो इससे लोगों को और फायदा ही होगा, घाटा नहीं होने जा रहा है।
और इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप यदि लास्ट ईयर का सिलेबस देखें, खास करके सातवें और आठवें सेमेस्टर का, तो उसमें एक नया टॉपिक जोड़ा है जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च मेथेडोलॉजी। अगर आपका कैमरा फोकस कर सके तो हम आपको दिखा देंगे रिसर्च मेथेडोलॉजी जो है। तो रिसर्च मेथेडोलॉजी जो है वो पहले पीएचडी में कोर्स वर्क के दौरान पढ़ाया जाता था। एक और टॉपिक ऐड करा है फिजिक्स में, खास करके इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो टॉपिक है हम लोग एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते थे इसमें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अभी हम आपको वही दिखा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी इस बार जो ऐड किया है क्वांटम मैकेनिक्स। ये देखिए 14 नंबर एमजेसी 14 सेवन सेमेस्टर में, हाँ सेवन सेमेस्टर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देखिए एक 14 नंबर का है ये, हाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पहले पीएचडी में पढ़ाया जाता था कोर्स वर्क के द्वारा। तो सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर में ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो या तो एमएससी में चलता था या पीएचडी में कोर्स वर्क के दौरान चलता था, तो वो एक बढ़ा दिया है। और उसी के लिए उसका नाम दिया है कि जो चौथा साल एमएससी करेगा तो वो उसको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। तीन साल पूरे तरीके से पढ़ाई है सीरियसली, जो आप तीन साल में पहले करते थे वही है, चौथा साल को एक्सटेंड करके बस यही किया है कि बच्चे रिसर्च के लिए तैयार हो जाए। देखिए ये दिखा सकते हैं, ये पोस्टर जो लगा है ना, ये है बीएससी फिजिक्स और ये क्या है राहुल सर हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है ना ये बिगना पहाड़ी में तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप प्ले स्टोर पे इनके एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे बीएससी फिजिक्स, ठीक है, ये बीएससी फिजिक्स है एजुकेशन बुक्स मीडिया, ठीक है। मैं बता दूं कि आज से ये हवा जो बना हुआ था ना बीएड को लेकर के, चार साल का बीएड हुआ, दो साल का बीएड हुआ, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे जो शिक्षक बनने के लिए उत्प्रेरण थे या मोटिवेट थे वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके थे। आज बिल्कुल क्लियर कट हो गया राहुल सर के माध्यम से कि बीएड जो है दो साल का ही है, जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेगा वो दो साल का ही है। फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सर बीएड अगर कर रहा है तो दो साल का, अगर मास्टर डिग्री के बाद बीएड कर रहा है तो एक साल का, अगर इंटर के बाद अगर बीएड कर रहा है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड को मिला करके चार साल का कोर्स किया है, समझ गए आप। बाकी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अभी जिस तरीके से राहुल सर ने समझाया आपको ये तरीका कैसा लगा, इनके लिए एक लाइक जरूर कीजिए। बाकी बने रहिए चैनल पे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।